तो फाइनली यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 11 का पूरा शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और साथ ही साथ टाइम टेबल भी अनाउंस हो चुका है। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, कितने बजे से मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, क्या डबल हेडर देखने को मिलेगा या ट्रिपल हेडर देखने को मिलेगा, वो डाउट्स भी आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ, प्रो कबड्डी सीजन 11 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, जिस दिन फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन से हमें पीकेएल 11 देखने को मिलेगा। शेड्यूल जानने से पहले क्या चीज़ हमें पता चला है कि डबल हेडर देखने को मिलने वाला है, कोई भी तरह का ट्रिपल हेडर देखने को नहीं मिलेगा। डबल हेडर का साफ मतलब होता है कि एक दिन में दो मैचेस खेले जाएंगे पीकेएल 11 में, तो वहीं जहां पे जिस वेन्यू पे होगा दो मैचेस हमें उस दिन देखने को मिलेंगे, और टाइम्स बिल्कुल एक घंटे का डिफरेंस होगा। जैसे मैच खत्म होगा उसके 10-15 मिनट बाद दूसरा मैच चालू हो जाएगा। अब शेड्यूल सबसे पहले जान लें, तो उससे पहले ओपनिंग मैच किस टीम के बीच में होने वाला है, पहला मैच पीकेएल 11 का किस टीम के बीच में खेला जाएगा वो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहला मैच मैच नंबर 1 ऑफ पीकेएल 11 होगा, तेलुगु टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स के बीच में 8 बजे रात को होगा। एक तरफ पवन और एक तरफ प्रदीप नरवाल होंगे, और उसके बाद उस मैच के खत्म होने के बाद 9 बजे हमें स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा यू मुंबा और दबंग दिल्ली के बीच में मैच, जहां पे एक तरफ नवीन एक्सप्रेस होंगे और यू मुंबा में अब सुनील कुमार आ चुके हैं। तो फटाफट धीरे धीरे हम शेड्यूल जानते हैं। सबसे पहला वेन्यू जो सेलेक्ट हुआ था हैदराबाद में, हैदराबाद से शुरू होगा प्रो कबड्डी सीजन 11 के सारे मैचेस। तो आपको मैं धीरे धीरे यहां पे पिक्चर शो कर देता हूं शेड्यूल का। तो आपको सबसे पहला मैच मैच नंबर 1 होगा तेलुगु और बुल्स के बीच में, पवन वर्सेस प्रदीप, हाई फ्लायर वर्सेस डुबकी किंग प्रदीप नरवाल। उसी के बाद मैच नंबर 2 होगा दबंग दिल्ली और युम्बा के बीच में। उसके बाद यहाँ पे 19 तारीख का पहला मैच होगा पवन सिरावत की तेलुगु टाइटंस के सामने सचिन तनवर की तमिल थलाईवास। उसके बाद पुणे वर्सेस आप देख सकते हो हरियाणा स्टीलर, जहाँ पे सादलू आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे 20 तारीख का पहला मैच होगा बंगाल जयपुर, और 20 तारीख का दूसरा मैच होगा गुजरात और बुल्स में, जहाँ पे गुजरात में गुमान सिंह आ चुके हैं। ये मैंने आपको बताया है 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक का शेड्यूल, जहाँ पे दो दो मैचेस देखने को मिल रहे हैं। आगे का शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूपी और दिल्ली खेलेगी 21 को, फर्स्ट मैच यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे भरत हुड्डा के सामने होंगे नवीन एक्सप्रेस। 22 तारीख का मैच होगा यहाँ पे, 21 तारीख का दूसरा मैच पुनेरी पल्टन और पटना पायलट्स के बीच में होने वाला है, 22 तारीख का मैच होगा यहाँ पे तेलुगु वर्सेज जयपुर, और बाकी के मैचेज आप देख सकते हो। आगे बढ़ते इस शेड्यूल पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे मनिंदर सिंह और भरत हुड्डा के बीच में जो मैच होगा 24 तारीख का पहला मैच, दूसरा मैच होगा सादलू के सामने अर्जुन देसवाल हरियाणा वर्सेस जयपुर, 25 तारीख का पहला मैच होगा पटना पायलट्स वर्सेस तमिल थलाईवास, और बचे हुए मैचेस देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 27 तारीख और उसके अलावा 28 तारीख 29 तारीख का शेड्यूल भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद इस शेड्यूल पे आगे चलते हैं, तो 30 तारीख का पहला मैच होगा पुणे और यू मुंबा के बीच में, जहाँ पे एक तरफ असलम इनामदार होंगे, उसके अलावा सुनील कुमार होंगे। आगे ये शेड्यूल आपको यहाँ पे 5 नवंबर तक ख़त्म होता हुआ दिखेगा। 9 तारीख तक आपको हैदराबाद में सारे मैचेस देखने को मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे 9 तारीख तक ख़त्म हो जाएंगे हैदराबाद लेग, उसके साथ प्रो कबड्डी चले जाएगा अपने नेक्स्ट वेन्यू पे। 9 तारीख के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे नोएडा में, नोएडा में मैचेस हमें देखने को मिल जाएंगे, और नोएडा का शेड्यूल मैं आपको दिखा दूँ। मैच नंबर 45 से स्टार्ट होता है नोएडा का शेड्यूल, जहाँ पे सबसे पहला जो मैच होने वाला है नवंबर 10 को, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, वो होगा भरत हुड्डा की टीम यूपी वेदर्स, उनके सामने युम्बा की टीम होगी। मैच नंबर 46 यानी नवंबर 10 का दूसरा मैच 9 बजे होगा गुमान सिंह की गुजरात और सादलू, और बचे हुए आप सारे मैचेस यहाँ पे देख सकते हो नोएडा लेके कितने सारे मैचेस होने वाले हैं। और 3 वेन्यू सेलेक्ट हुए हैं, तो हैदराबाद का बता चुका हूँ, उसके बाद हम नोएडा पे आ चुके हैं और नोएडा के सारे वेन्यूज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम में भी यहाँ पे सारे फोटोज डाल दूंगा, वहाँ से भी आप धीरे धीरे करके सारे शेड्यूल आराम से देख सकते हो, कोई भी तरह का दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको शेड्यूल यहाँ पे शोकेस कर रहा हूँ, सारे शेड्यूल आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे मैचेस के। ये नोएडा लेग का मैचेस होगा, और नोएडा लेग यहाँ पे ख़त्म कब होगा वो मैं आपको बता दूँ, नोएडा लेग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को नोएडा लेग कंप्लीट हो जाएगा और प्रो कबड्डी आ जाएगा अपनी तीसरी और आखिरी वेन्यू में लीग मैचेस को कंप्लीट करने के लिए, वो होने वाला है पुणे लेग। मैच नंबर 89 का स्टार्टिंग होने वाला है यहाँ पे पुणे लेग से, जहाँ पे सबसे पहला मैच खेला जाएगा प्रदीप नरवाल की बेंगलुरु बुल्स के सामने होंगे गुजरात जैंट्स के गुमान सिंह। उसके बाद 3 तारीख का जो दूसरा मैच है वो होगा गुमान सिंह यू मुंबा की सुनील कुमार और पुणे के असलम इनामदार के बीच में। शेड्यूल धीरे धीरे दिखाया जा रहा है। एक चीज़ और बता दूँ, हर वेन्यू का एंड के बाद एक दिन का गैप दिया जाएगा, क्योंकि ट्रैवल भी करना है टीम्स को, तो एक दिन का यहाँ पे एक रेस्ट डे दिया जाएगा सारे टीम्स को। शेड्यूल आपके सामने आई थिंक
आ रहा होगा सारे शेड्यूल आपको धीरे धीरे दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम में सब कुछ शेयर कर दूंगा, कोई भी तरह का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। और प्रो कबड्डी का जो लीग मैचेस है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको 132 मैचेस देखने को मिलेंगे इस बार। 24 दिसंबर को लीग मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे पुणे में, उसके बाद होगा प्लेऑफ्स। अब प्लेऑफ्स का शेड्यूल कभी भी प्रो कबड्डी एक साथ रिलीज़ नहीं करती, उसका शेड्यूल बाद में आएगा, अलग से आएगा जब लीग मैचेस चल रहे होंगे, वो भी आपको हमारे चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। जैसे पीके 11 स्टार्ट होता है और शेड्यूल आता है, वो मैं आपको बहुत जल्द जैसे प्रो कबड्डी स्टार्ट होगा उसके बाद में ही आपको पता चल पाएगा प्लेऑफ्स का शेड्यूल कहाँ पे होगा किधर होगा, वो आपको बाद में पता चलेगा। ये मैंने आपको पूरे लीग मैचेस का शेड्यूल बता दिया है, कुल 132 लीग मैचेस होंगे, 3 वेन्यूज पुणे, नोएडा और हैदराबाद में। सबसे पहले हैदराबाद में होगा, फिर पुणे पे होगा, उसके बाद यहाँ पे आखिरी हैदराबाद, नोएडा एंड पुणे। पुणे आखिरी वेन्यू है, तीसरा वेन्यू जहाँ पे सारे लीग मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे और 24 दिसंबर के दिन पूरे लीग मैचेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा प्रो कबड्डी के एंड से। तो ये था पूरा शेड्यूल, कितने सहमत हो और ओपनिंग मैच के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, जहाँ पे एक तरफ हाई फ्लायर होंगे और एक तरफ डुबकी किंग प्रदीप नरवाल होंगे। उसके बाद जो उस दिन का दूसरा मैच 18 तारीख का, एक तरफ नवीन एक्सप्रेस होंगे और एक तरफ होंगे सुनील परवेश की जोड़ी, क्योंकि सीजन 8 के बाद वापसी कर रही है सुनील परवेश की जोड़ी, किस तरीके से खेलती है हम सबको पता है। उनके सामने होंगे नवीन एक्सप्रेस और आंसू का रफ्तार देखने को मिलेगा। कितनी ज्यादा सहमत हो इस शेड्यूल से, कि आपको शेड्यूल अच्छा लगा है लीग मैचेस का, कॉमेंट कीजिएगा। एक और बहुत बड़ा अच्छा न्यूज देने वाला हूँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि अनसोल्ड हुआ है वापस प्रो कबड्डी में आ चुका है, उसके बारे में बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कबड्डी अपडेट्स के।